हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो लैंडलाइन फ़ोन के अंदर स्पीकर लगा होता है वो रिपेयरिंग करना बताऊंगा। फ्रेंड, ये देखिए, ये स्पीकर चेक कर रहे हैं, दे कंटिन्यूटी बतानी चाहिए, ऊपर डिजिट्स आने चाहिए। ये देखिए, आपस में ली टच कर रहा हूँ तो कंटिन्यूटी आ रही है, लेकिन ये दूसरे पॉइंट के साथ टच कर रहा हूँ तो कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। आज मैं आपको ये स्पीकर रिपेयरिंग करना बताऊँगा। ये बिल्कुल भी वर्किंग नहीं कर रहा है। जो लैंडलाइन के अंदर फ़ोन के अंदर जो स्पीकर लगा होता है उसको रिपेयर करना हो तो उसका प्रोसेस बता रहा हूँ। इसका फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ये बहुत ही हार्ड होता है। आप सोल्डरिंग आयरन ले लीजिए, उसके बाद आपने क्या करना है कि हल्की हल्की जो हर साइड पे जो एंड्स हैं, जिस तरह की मैं कर रहा हूँ, आपने हीट करनी है। बहुत आराम से अपना हाथ बचा के आप हीट कीजिए। फ्रेंड्स, मैं पूरा आपको बताऊंगा इस रिपेयर कैसे करेंगे इस स्पीकर को। आप प्लीज़ लास्ट तक मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। ये देखिए, मेल्ट हो रहा है। ये उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा पूरा, पहले तो रिपेयर करके बताऊंगा, उसके बाद पूरा बताऊंगा कि पूरा इसकी कॉइल निकाल के भी अंदर से बताऊंगा कि अंदर इसके क्या होता है। अब इसको स्क्रू ड्राइवर फंसाएंगे इसके अंदर तो देखेंगे कि ये कैप इसकी खुलती है या नहीं खुलती है। ये बेसिकली बहुत ही हार्डली ये मतलब किया हुआ, ग्लू लगा के इसको पूरा ही बाइंड अप कर दिया। अब हल्का सा आपको क्या करना, सिराक छेद करना है इसमें स्क्रू ड्राइवर के लिए, जिस तरह की मैं कर रहा हूँ, ताकि इसकी जो कैप है वो खुल जाए। और फ्रेंड्स, अब अगर थोड़ा सा हम जोर लगाएंगे तो उम्मीद है कि ये खुल जाएगा। नीचे रख के थोड़ा प्रेशर अप्लाई करते हैं इसको। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये कामयाबी मिल गई है। देखिए, ये कैप इसकी अब बाहर आने लगी है फ्रंट वाली। थोड़ा सा और मुझे लगता है इसको सोल्डरिंग आयरन साइड पे होल लगाना पड़ेगा, फिर जाके ये खुलेगा। फिर भी पहले कोशिश कर लेते हैं कि शायद ऐसे ही खुल जाए जोर लगा के। पूरा जोर लगा रहा हूँ फ्रेंड्स, लेकिन ये खुल रहा है, खुल जाएगा। थोड़ा सोल्डरिंग आयरन लगा ही लेते हैं, मैं सोच रहा हूँ इसको। ऐसे हो सकता खुल ही जाए, नहीं, सोल्डरिंग आयरन लगा देते हैं, थोड़ा सा हीट दे लेते हैं। अब ये फ्रेंड्स इसकी कैप ज़रूर ही खुलेगी। ये जो स्पीकर होता है फ्रेंड, ये लैंडलाइन फ़ोन होगा, हर लैंडलाइन के रिसीवर के अंदर यही स्पीकर लगा होता है। अब ये जोर लगाया फ्रेंड्स मैंने, और ये खुलने लगा, खुल गया। और ये फ्रेंड्स कामयाबी मिल गई हमको। अब मैं आपको बताऊंगा इसको रिपेयरिंग करने का प्रोसेस। फ्रेंड्स, इसकी कॉइल बिल्कुल वर्किंग में है, इसको हम रिपेयरिंग करेंगे जब बिल्कुल अच्छी तरह से चलेगा। ये फ्रेंड्स, ये एक वायर इसकी ये गई हुई है और एक वायर ये गई हुई है। इसका क्या होता है, जब ये स्पीकर चलता है तो इसके जो कनेक्टिंग एंड्स होते हैं, जहाँ ये वायर ख़त्म हुई है, ये वायर ख़त्म हुई है फ्रेंड, ये देखिए, ये बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी है कॉइल, तो ये स्पीकर पेयर नहीं होगा। लेकिन इसकी कॉइल ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो एंड्स हैं, ये एक सरिंज ले लेंगे, इसको रब करके, तो ये वायर एक इधर से गई हुई है और एक वायर इधर से गई हुई है, इसको रब करके इधर से थोड़ी सी बहुत आराम से ये कॉइल निकालेंगे। उसके बाद इसको सोल्डिंग करने देंगे, क्योंकि
स्पीकर में प्रॉब्लम यही आती है जो स्टार्टिंग के एंड से होते हैं, जहाँ का कनेक्शन टूट जाता है, जब जब स्पीकर चलता है जब हम मैक्सिमम आवाज़ करते हैं, उसके बाद इसको हल्की सी फ्लक्स लगा के, ये जो मैं फ्लक्स लगाई है फ्रेंड्स, इसको हल्की सी फ्लक्स लगा के इसको सोल्डिंग कर देंगे, ताकि ये जो वायर ब्रेक हुई है तो इन एंड्स के साथ दोबारा से कनेक्ट हो जाए। जब सोल्डिंग वायर वायर यूज़ करेंगे ताकि ये जो एंड्स हैं ना, ये और कोई फॉल्ट नहीं आता फ्रेंड्स इसमें, ये एंड्स होते हैं जहाँ पे ये कनेक्ट हुई होती है ये वायर, तो ये लिंक टूट जाता है आपस में। उम्मीद करते हैं मीटर से अब चेक करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि अब ये लिंक कायम हो गया होना चाहिए। अगर तो कनेक्टिविटी आ गई तो इसका मतलब अब ये स्पीकर 100% चलेगा। लीजिए फ्रेंड्स, ये पूरी कामयाबी मिल गई स्पीकर रिपेयर करने से, ये स्पीकर अब रिपेयर हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये अब स्पीकर बिल्कुल रिपेयर हो गया। अब इसको वापस से कैप लगा लेनी है और सोल्डरिंग आयरन कर लेंगे इससे, तो उसके बाद ये रिसीवर में फिट करके तो जो आवाज़ है इसकी वापस आ जाएगी, जो आवाज़ पहले हैंडसेट रिसीवर में नहीं आ रही थी। ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको रिसीवर स्पीकर रिपेयर करने का आपको प्रोसेस बताया, अब मैं इसको पूरा से दोबारा से डैमेज करके तो आपको पूरा बताऊंगा कि अंदर इसके कॉयल कैसी कॉयल लगी होती है। फ्रेंड्स प्लीज़ लास्ट तक मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल स्पीकर तैयार हो गया। आप इसको रिसीवर के अंदर, लैंडलाइन रिसीवर के अंदर फिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये अब मैं आपको कॉयल बताता हूँ, ये पूरा के अंदर ये कैसी वायर लगी होती है पूरी, मैं आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको कॉयल को निकालेंगे। जे फ्रेंड्स ये पूरा जे सिस्टम होता है जो साउंड देता है, जे फ्रेंड्स ये आ गए अंदर से कॉयल। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। आप मेरे चैनल की लैंडलाइन रिपेयरिंग की अदर वीडियोस भी देख के आप मेरे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी लैंडलाइन फ़ोन रिपेयरिंग करनी है, अगर आपका लैंडलाइन फ़ोन ख़राब है, देखिए फ्रेंड्स जो कॉपर की कॉयल होती है इससे ही पूरी साउंड आती है। ये होते हैं ये कॉयल फ्रेंड्स, जो इसके अंदर का हिस्सा होता है, जो मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक और जो कॉयल आपस में और के तो यो है साउंड प्रोड्यूस होती है। फ्रेंड्स होप करता हूँ ये जो मैंने आपको समझाया ये अच्छे से समझ लग गया है। अगर अच्छे से समझ लग गया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।